सीपीओ सरफराज फल्की की मसरूफियात अहलकारों के लिए परेशानी का बायस बन गई है। सीपीओ की मसरूफियात के बायस अर्दर रूम 3 बार मंसूख हो चुका है। 50 से ज्यादा अहलकारों को 3 बार कई घंटे इंतजार करना पड़ा। अर्दर रूम में अहलकारों की अपीलों, महकमाना सर्विस, शिकायत, सजाओं का फैसला होना है। इस हवाले से मजीद जानते नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर खान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सीपीओ मुल्तान जो है सरफराज अहमद फल्की, उनकी जाती मसरूफियात और महकमाना मसरूफियात की वजह से जो आम एहलकार हैं महकमे के, वो काफी मुतासिर हो रहे हैं। और बिलखसूस वो एहलकार जिनकी मुख्तलिफ जो दरखास्तें हैं और मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन हैं जो उनके पास आई हुई हैं उसका रूम में, वो तो 3 बार मनसूखी की वजह से काफी कोफ्त का शिकार है। उन एहलकारों ने ये भी बताया है रोही को कि वो कई कई घंटे वो इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन जो दिन के आखिर में उनको अफसरान की जानिब से बताया जाता है कि आज भी अर्दर रूम नहीं होगा, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि इस हवाले से ये बात भी अहम है कि इलेक्शन सर पर हैं और किसी भी लम्हे जो निगरान हुकूमत आती है तो उसके बाद जो अफसरान है उनके ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस वजह से अगर इनका फैसला, इन एहलकारों का फैसला मौजूदा सीपीओ ने ना किया तो यकीनन उनकी प्रमोशन और दीगर मामला में ये उनके लिए काफी हर्डल का बायस भी बनेगा। बहुत शुक्रिया मजहर खान, आप हमें आगाह कर रहे थे।